देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता मिली, चोरी की घटना को अंजाम देने के इरादे से बैंक के बाहर खड़े पंडित जी लोगों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया। उनके पास से 40 एटीएम कार्ड, एक गाड़ी, 12 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर कोतवाल विकास राय ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आईसीआईसीआई बैंक के बाहर अपनी गाड़ी से एटीएम में घुसकर फर्जी एटीएम से पैसे निकालने के प्लान में खड़े थे। यह शातिर चोर एटीएम बदलने में काफी माहिर हैं। इनके पास से 40 एटीएम बरामद हुए हैं। या लोग एटीएम में घुसकर लोगों के एटीएम बदल लेते हैं और उनके पैसे निकाल लेते हैं। ऐसे ही बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कन्नौज में या लोग आईसीआईसीआई बैंक के बाहर खड़े हुए थे, तभी सदर कोतवाल विकास राय में टीम के साथ जाकर दोनों संदेश को पकड़ लाए। और सदर कोतवाली में सीओ सिटी से प्रताप सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि यह लोग चोरी के इरादे से खड़े हुए थे, तभी पुलिस ने 3 को पकड़ लिया। इनके पास से 40 एटीएम, एक्सयूवी, गाड़ी, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। कन्नौज जिला ब्यूरो चीफ सीबुक सैनी की रिपोर्ट। किस प्रकार से घटना को अंजाम देते थे आप लोग, एटीएम कैसे बदलते थे, किन को चिन्हित करते थे? कहाँ कहाँ पर घटना अंजाम को दे चुके हो? कहाँ कहाँ पर? जीमेल बाकी जी जेल में थे, बाकी बाद मैं अपना अपने काम करता था। जब भी बाहर होते थे तो जब कल कहाँ से पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? सर यहाँ आईसीआईसी पे आए थे, खड़े थे, आने के बाद मिलाने के वहाँ से चले गए। पकड़ गए। अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हो? सर 30 साल। जनपद कन्नौज में थाना कोतवाली के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक के पास एटीएम से धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी अजय और दुर्वेश, जो सोरो थाना जनपद कासगंज के रहने वाले हैं, ये वहां पे खड़े होकर के ताक में थे पैसे निकालने के। पुलिस ने देखा, इनको गिरफ्तार किया गया। जब गहनता से पूछताछ की गई कि इनके पास से 40 एटीएम तथा 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 स्विफ्ट डिजायर कार तथा 1 चाकू इनके पास से बरामद किया गया। पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया कि ये कम से कम इस जनपद में अभी रिसेंटली इन्होंने गुसाहागंज में घटना की थी और ये स्वयं बयान दे रहे हैं कि सैकड़ों जगह हम देखो इस तरह की वारदात कर चुके हैं और अभी 2.5 साल जेल से रह करके दोनों मुलजिम आए हैं, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।